अक्सर रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ मैच्योर और एक्सपीरियंसेस राज कर सकते हैं या वो लोग जिनके पास सालों की सेविंग्स मौजूद हों। क्या हमारी यूथ को भी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए? अगर ऐसा है तो वो कौन से फ़ायदे हैं जो फराहम होंगे हमारी यूथ को रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद? तो आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लीड मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट शहनाज। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो खास हमारी यूथ के लिए है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हमें ऐसे सवाल काफ़ी मौसूल हो रहे हैं कि क्या रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंसड और मैच्योर हजरात कर सकते हैं या वो हजरात जिनके पास सालों की सेविंग्स मौजूद हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल इस्टेट का की इन्वेस्टमेंट का लेना देना उम्र या मैच्योरिटी से नहीं होता। इसके लिए सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है आपकी फिक्स सोर्स ऑफ इनकम, यानी आपकी कोई आमदनी का ज़रिया, या फिर आपके पास कुछ सेविंग्स जिसमें आप किसी भी जगह पर प्रॉपर्टी खरीद लें जो किसी इंस्टॉलमेंट प्लान पर अवेलेबल हो। यूथ की बात की जाए तो जहाँ तक हमारी यूथ की बात है, उनको सिर्फ और सिर्फ ये माइंड सेट रख के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको माली फ़ायदा होगा। माली फ़ायदा बिल्कुल हासिल होगा, लेकिन इसके साथ साथ उनकी मालूमात में इजाफा होगा कि बेसिकली ये रियल इस्टेट इंडस्ट्री है क्या। इसके साथ साथ उनको मोटिवेशन मिलती रहेगी कि इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करके एक तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल रही है, और आगे जाकर, यानी कि इतनी कम उम्र में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आगे जाकर उनका एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है। दूसरी बड़ी वजह हमारी यूथ की रियल इस्टेट इंडस्ट्री की तरफ आने की ये है कि देखिए, ज़िंदगी में हम सब पर एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब ये बिल्कुल हम पे डिपेंड करता है कि हमने उस वक्त को कैसे यूटिलाइज़ करना है, प्रोडक्टिव वे में लेके चलना है या इसको हमने ज़ाया कर देना है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको इस बात का भी मौका देती है कि इसमें आपको काफ़ी एक्सपोजर मिलता है, आपको लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होती हैं और ये आपके कॉन्फिडेंस को भी मज़ीद बाहर लाती है, आपको प्रोफेशनली भी ग्रूम करती है, जो कि तकरीबन ज़िंदगी के तमाम प्रोफेशनल में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। व्यूअर्स, चाहे बात रियल इस्टेट इंडस्ट्री की हो या किसी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी की जो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे, तो इसके बारे में सोच के ही हम मोटिवेट हो जाते हैं। जहाँ तक बात यूथ की है, तो ये हमारी ज़िंदगी का ऐसा मरहला होता है जिसमें हम काफ़ी एनर्जेटिक और पैशनेट होते हैं। तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हमें इस बात के लिए भी मोटिवेटेड रखती है कि हम इतनी सी उम्र में एटलीस्ट अपने घर बनाने का ख्वाब देख भी सकते हैं और इसको पूरा भी कर सकते हैं। नाज़रीन, अब आ जाते हैं सबसे अहम बात पर, जो कि है फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। व्यूअर्स, देखा जाए तो आजकल हमारी यूथ का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सब अपने अपने तौर पर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और उसके लिए रियल इस्टेट इंडस्ट्री हमें एक अपॉर्चुनिटी फ्राहम करती है जिसमें हम चंद हज़ार की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पर कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, और जब वो चंद साल या चंद माह बाद हमारी हो जाए तो उसको दोबारा बेच कर हम अपनी इन्वेस्टमेंट का सिलसिला भी जारी रख सकते हैं। इससे ये होता है कि एक कैश फ्लो जनरेट होता रहता है और ये हमारी एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाती है। तो व्यूअर्स, ये थी वो तमाम वजूहात जिनके बिना पर मैं अपनी यूथ को कहूँगी कि वो रियल इस्टेट इंडस्ट्री की तरफ आएँ और इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये इंडस्ट्री उन्हीं लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं और फ्यूचर में अपने आप को किसी जगह पर देखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।